हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की जो डेली हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो है प्रोजेक्ट असीता के बारे में। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि प्रोजेक्ट असीता है वो ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कौन सी रिवर से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है महानदी रिवर, दूसरा यमुना रिवर, तीसरा है कृष्णा रिवर और चौथा है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखो, बेसिकली जो जो प्रोजेक्ट असीता है वो हम बात करें तो यमुना रिवर के लिए आया था, वो ताकि यमुना रिवर को साफ सफाई उस पर फोकस किया जा सके इसके लिए। तो यह बेसिकली ध्यान रखना है हमें कि प्रोजेक्ट असीता है वो यमुना रिवर से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है, स्टेटमेंट दिए गए हैं दो और इनमें से हमें पूछा गया कि गलत स्टेटमेंट को चुनना है। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पूछा क्या गया है। एग्जाम में हम ऐसी लापरवाही काफ़ी बार कर देते हैं, तो ऐसे फैक्ट का हमें ध्यान में रखना है कि हमें पूछा क्या गया है और बताना क्या है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे यह है कि आर्टिकल 126 भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रोवाइड है, या बोल सकते हो कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए काम है वो करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को, मतलब हाई कोर्ट के एक जज को, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त है वो कर सकते हैं। हमें चुनना है गलत स्टेटमेंट। तो देखो आप एक बार ये सोचिए, पहला है जो आर्टिकल 126, वो तो देखो बिल्कुल सही है कि एक मुख्य न्यायाधीश से कार्यकारी उसको अपॉइंट है वो किया जा सकता है आर्टिकल 126 के तहत। अब यहाँ पे गलत स्टेटमेंट चुना है, इसका मतलब पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ये यह कह रहा है कि हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश, मतलब हाईकोर्ट के एक जज की बात कह रहा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, वो हो जाता है। तो हमें गलत ही पूछा गया है, तो इसका आंसर बी है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ। राज्यसभा की अनन्य शक्तियाँ का मतलब यह है कि राज्यसभा की वो पावर जो केवल राज्यसभा के पास ही है, लोकसभा के पास नहीं है। क्योंकि देखो जैसा हम जानते हैं कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा होती है नॉर्मली, पर दो ऐसी पावर होती हैं जो कि राज्यसभा के पास ही हैं। तो कौन सी हैं, आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया और दोनों में सही है वो चुननी है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि है राज्य सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने की संसद को अधिकृत कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यह संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए आम नहीं, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकृत है, वो कर सकता है। देखो हम बात करें यहाँ पे सही की बात करें, दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट है वो सही है। राज्यसभा के पास दो ऐसी पावर होती हैं जो लोकसभा के पास नहीं है, और कौन कौन सी है? एक पावर तो ये है कि वो नई सिविल सर्विसेज हैं, उनके लिए एक तरीके से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकती है भाई आप नई सिविल सर्विसेज है वो लेके आइए सेंट्रल और स्टेट के लिए। और दूसरी कौन सी है कि राज्य सूची का किसी भी विषय पर कानून बनाना हो तो उसके लिए अगर एक राज्य सभा अगर अनुमति दे दे तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून बना सकती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, वो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है प्राकलन समिति के बारे में। क्वेश्चन यह है कि प्राकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है। पहला कथन दिया गया है कि इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा दिया गया है कि सभी पार्टियों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। और तीसरा दिया गया है कि एक मंत्री को इस समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता। और चौथा यह है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता है वो होता है। अब आप एक बार सोच के देखिए कि देखो चौथे स्टेटमेंट पे आप फोकस कीजिए कि प्राकलन समिति की बात कह रहा है और कहता है कि समिति का अध्यक्ष वो विपक्षी दल का नेता होता है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है तो साफ साफ गलत है। अब चौथा ऑप्शन साफ साफ गलत है, इसका मतलब क्या हुआ? डी भी हट जाएगा और यहाँ पे बी भी हट जाएगा। दो तो ऑप्शन आमने सामने हट गई। पहला है कि इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। अब देखो इन तीनों में से हमें एक स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि प्राकलन समिति वो किसके द्वारा गठित की जाती है और इसका कौन है वो अध्यक्ष वो होता है। देख हम बात करें, देखो बेसिकली जो प्राकलन समिति है वो 1901 के तहत इसको बनाया गया था। और हम बात करें कि जॉन मथाई के जो सिफारिश थी, वित्त मंत्री थे जो हमारे देश के आज़ाद भारत के, उनकी सिफारिश के बाद पहली अनुमान समिति या बोलते हो कि प्राकलन समिति का गठन है वो किया गया था। स्टार्टिंग में जो प्राकलन समिति थी इसमें 25 सदस्य होते थे, इसके बाद में 1956 में इनके सदस्यों की संख्या वो बढ़ा दी गई थी, 30 सदस्य कर दिए गए थे। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जो 30 के 30 सदस्य होते हैं सारे वो केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है कि 30 सदस्य हैं वो केवल लोकसभा से होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल सही है। राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी हमें यहाँ पे गलत करना है। अब एक बार चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला स्टेटमेंट भी हम हटा देते हैं, इसका मतलब हुआ क्या? आप अभी देखिए, पहला स्टेटमेंट साफ साफ ये हो गया कि मतलब यहाँ पे प्रतिनिधित्व राज्यसभा का नहीं होता। मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, इसका मतलब एक और तीन में से हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है।
अब यहाँ पे अहम बात यह है कि इसके हमें ये पता होना है कि सही कि इसका अध्यक्ष वो कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष वो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, मतलब विपक्षी दल का इसका अध्यक्ष वो नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो गया और इसके साथ ही यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। तो हम कुल मिला के हमारे पास आंसर वो यहाँ पे आ गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाला है। तो ऐसे फैक्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह सदन के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्या करते हैं। दूसरा है कि राष्ट्रपति सदन को एक अध्यक्ष का चुनाव करने में सक्षम है वो बनाता है। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि वह सदस्यों की शक्तियों विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है और सदन पूरी तरह से और इसकी समितियों के रूप में काम है वो करता है। सही स्टेटमेंट को हमें चुनना है, मतलब यहाँ पे ये पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष की पावर के बारे में बात सीधी सीधी कही गई है कि लोकसभा के पास पावर है वो कौन सी होती है। अब आप एक बार एक चीज ये देखिए, सेकंड स्टेटमेंट को आप फोकस कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति सदन को एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सक्षम बनाता है। अब आपको पता है कि लोकसभा के अंदर अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो उसके लिए प्रोटेम को नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम जो अध्यक्ष होता है उसकी हेल्प से बेसिकली अध्यक्ष को चुना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट साफ साफ गलत हो जाता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है इसका मतलब ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी भी बिल्कुल नहीं होगा। अब हमारे सामने है कि पहले बी और सी में से हमें देखना है कि बी और सी में से कौन सा है। देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान के बारे में जो भी प्रावधान है उनकी व्याख्या लोकसभा में स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट सही है और पहला सही है तो अपने आप आपको पता चल गया कि तीसरा भी सही होना है। तो इसलिए इसका आंसर बी है वो हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेके। मनी बिल और वित्तीय बिल के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो धन विधेयक है और वित्त विधेयक है केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है, केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही पेश किए जा सकते हैं। दूसरा एक स्टेटमेंट है कि एक धन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तीसरा है कि राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को वापस करना होगा, इसे 14 दिन तक का विचाराधीन रखा जा सकता है राज्यसभा में। चौथा स्टेटमेंट यह है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा में धन विधेयक वापस नहीं कर सकते। अब देखो मैं थोड़ा यहाँ पे सोचना है, जैसा कि हम जानते हैं कि मनी बिल और फाइनेंस बिल की बात की जा रही है। देखो मनी बिल है वो तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही या राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश है वो किया जाता है। मतलब यहाँ पे धन विधेयक की बात है वो बिल्कुल सही होगी कि मनी बिल है वो तो राष्ट्रपति की सिफारिश पे पेश किया जाता है। लेकिन और लेकिन यहाँ पे एक चक्कर है, वो है फाइनेंस बिल को लेके। देखो फाइनेंस बिल जैसा हमने पढ़ा है कि दो टाइप के होते हैं बेसिकली। कौन से दो टाइप के होते हैं? फाइनेंस बिल ए और फाइनेंस बिल बी। अब देखो जो फाइनेंस बिल ए बी आप बोल सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट बिल होता है फाइनेंस बिल वो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें कि राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जा सकता है और फाइनेंस बिल का जो सेकंड टाइप है जिसे हम बोलते हैं कि वित्तीय बिल सेकंड, उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पे स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि वित्त विधेयक के लिए केवल राष्ट्रपति की सिफारिश वो जरूरत होती है। तो वित्त विधेयक में भी पहले के लिए होती है, दोनों के लिए नहीं होती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो हो जाएगा। सेकंड यह है कि एक धन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। देखो जैसे हम सब जानते हैं कि मनी बिल है वो केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में उसको भेजा जाता है बाद में, बट केवल 14 दिन तक का टाइम होता है राज्यसभा के पास, चाहे वो उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो केवल वो सजेस्ट कर सकती है। ध्यान रखना केवल सजेशन कर सकती है, वो बाद में लोकसभा की मर्जी है कि उनको माने या नहीं माने। तो लोकसभा के पास ही सारी पावर वो इसकी होती है। तो यह हमें पता चल गया इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत यहाँ पे हो जाता है, पहला भी गलत है वो हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट यह कि राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक वापस करना होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है, वो है। इसका मतलब इसका आंसर है वो बी हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ इसके बिल्कुल सही है। यूपीएससी देखो आजकल काफ़ी घुमा फिरा की चीज़ें पूछने लगी है, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि राष्ट्रपति एक तो जो मनी बिल होता है इसको वापस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप एक बार देखो कॉमन सेंस लगाए यहाँ पे कि पहली बात क्या है कि मनी बिल है वो तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। अगर राष्ट्रपति से पहली अनुमति ले ली तो फिर बाद में क्या जरूरत है? मतलब राष्ट्रपति ने अनुमति है तभी तो मनी बिल लाया गया है। इसलिए यहाँ पे थर्ड फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है बेसिकली नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि तमिलनाडु में के कलपन ने तंजोर तट पर त्रिचिनोपोली में वेदारियम के निकट
नमक मार्च का नेतृत्व किया, मतलब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि तमिलनाडु में जो नमक सत्याग्रह था उसका बेसिकली प्रतिनिधित्व है वो के कलमनजन ने किया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि मालाबार में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कालीकट से पेनूर तक यात्रा है वो की थी। सही स्टेटमेंट को हमें चुनना है। इनमें से देखो कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों स्टेटमेंट है वो उल्टे दिए गए हैं। जो तमिलनाडु में है वो तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था और मालाबार में वो किया गया था के कलपन तंजोर तट पर। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट है वो यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि यूपीएससी ने पूछा क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है गांधी इरविन समझौते के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने पर सहमत हुई थी। दूसरा कह रहा है कि कांग्रेस की पुलिस जांच में सार्वजनिक जांच की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार ने उपभोग के लिए नमक को बनाने की स्वीकृति है वो दे दी थी। देखो जैसा हम जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता था वो 1931 के बाद आया था। ये हमें हिस्ट्री में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, इवन स्पेक्ट्रम में भी। अब यहाँ पे बात कीजिए, आप एक बार फोकस कीजिए सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कांग्रेस की पुलिस जांच में सार्वजनिक मांग को स्वीकार कर लिया गया था। आपको पता है कि गांधी इरविन समझौते में केवल इसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया था कि जो भी दंगे हुए हैं उनकी पुलिस जांच है वो की जाए। इसका मतलब सेकंड को हम एलिमिनेट यहाँ पे कर देंगे। तो सेकंड को एलिमिनेट करेंगे तो सी और डी तो गायब अपने आप हो गए। अब हमारे पास बचा एक और तीन। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सरकार ने उपभोग के लिए नमक बनाने की स्वीकृति दे दी थी और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने पर सहमति ले ली थी। इसका मतलब इसका आंसर बी है वो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। क्वेश्चन ये है कि बम का दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि फिलोसफी ऑफ द बम किसके द्वारा लिखा गया था। और आपको यह भी बताना है कि फिलोसफी ऑफ द बम है वो किसके लिए लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था। दोनों ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे, आपको बताना है कि किसके द्वारा तो लिखा गया है और किसके ऊपर लिखा गया है, मतलब किस, आप ये बोल सकते हो कि कौन सा जो हम स्वतंत्रता सेनानी था जिसके ऊपर बेसिकली भी धर्म, सॉरी वो बम का धर्म शास्त्र है वो लिखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है बारदोली रेजोल्यूशन के बारे में। देखो 1922 में बारदोली रेजोल्यूशन हुआ था, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या ए बी सही है, या फिर नन ऑफ दीज, इस तरीके से आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि बारदोली के सत्याग्रह की बात यहाँ पे की जा रही है, कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात यहाँ पे की जा रही है, कि उसको विड्रॉल है वो कर लिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो पीजेंट है मतलब जो किसान थे उनको टैक्स पे करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कहा गया, और इसके साथ ही जो टैक्स पे उनको रेंट वगैरह था, टैक्स वगैरह मतलब वो दोनों पे करने थे। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बारदोली सत्याग्रह के बारे में सोचिए। देखो पहला स्टेटमेंट तो आप आंख बंद करके गलत कर सकते हो, क्योंकि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो तो हुआ था 1930 के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बात कर रहा है 1922 की। इसका मतलब पहला तो स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। अब बात आई दूसरे की, तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो लास्ट के दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में कितना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।